हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि SBI योनो एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें SBI योनो एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा और SBI योनो एप्लीकेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसलिए मैं मोबाइल को कैमरे के सामने रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि SBI योनो एप्लीकेशन के अंदर आप म्यूचुअल फंड किस तरह से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कह रहा है, हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर MPIN डालकर लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर MPIN डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है इन्वेस्टमेंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, बीच में लिखा हुआ है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ये देखिए, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए, कुछ फंड्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, फोकस्ड इक्विटी फंड, फोकस्ड इक्विटी रेगुलर डिविडेंड वाला है, ये अलग हैं, ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, उसके बाद मतलब इस तरह से आपको दिखाई देंगे। और अगर आप और भी ज़्यादा फंड्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू अवेलेबल फंड्स पर क्लिक करें, तो यहाँ पर कुछ फंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, SBI आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ फंड हैं, SBI बैलेंस एडवांटेज, और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 का दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड हैं, वो 1,000 का भी हैं यहाँ पर। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इसको आप कर सकते हैं। ये देखिए, SBI लिक्विड फंड हैं, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस फंड को आपको चालू करना है आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए, इसकी पूरी डिटेल दिखाई दे रही है, आप रेगुलर चाहते हैं या डिविडेंड, आप रेगुलर ग्रोथ चाहते हैं या डिविडेंड चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ग्रोथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। और वन ईयर का रिटर्न उसका 9.39% है, थ्री ईयर का 20% है, फाइव ईयर का 10% है, और सिंस इंसेप्शन में 11.21% इन्होंने दिया है, और वेरी हाई इसका रिस्क है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है मंथली SIP, यहाँ पर है क्वार्टरली SIP और लमसम। तो यहाँ पर हम मंथली SIP कर लेते हैं। मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 रुपये हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, 500 रुपये हर महीने कटेंगे, 500 रुपये हर महीने डिडक्ट हो जाएंगे हमारे अकाउंट में से। स्टार्ट डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम टेंथ सेप्टेम्बर से हम इसको चालू करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, इफ़ एनी SBI एम्प्लॉय हैज़ हेल्प्ड यू टू इन्वेस्ट, प्लीज़ एंटर देयर EUIN रेफरल कोड। तो हमारी अभी तो कोई मदद कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह हमें एंड डेट भी पूछ रहा है, तो अगस्त 10 एंड डेट बता रहा है, एक साल का कर लेते हैं चलिए। और यहाँ से हम इसे प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर कंफर्म करना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आने वाला है, उस OTP को आपको यहां पर डालना है। और डालने के बाद इसे आप यहां से सबमिट कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे यहां पर देख भी सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मुझे अभी चालू करना नहीं है क्योंकि मेरा एक म्यूचुअल फंड ऑलरेडी चल रहा है, ये देखिए।
ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बस OTP डाल दीजिए, उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड चालू हो जाएगा और जब पैसा जमा होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसके बाद इस तरह से आपको भी दिखाई देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका SBI म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।